चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई को बदल सकता है, आपके पेपरों में नंबर भी ज्यादा आ सकते हैं इससे, और आपको पढ़ना भी कम पड़ेगा। मैं क्योंकि आपका दोस्त हूं और मैं इन सब चीजों को अच्छे से समझता हूं कि बच्चों को याद क्यों नहीं रहता, बच्चे क्यों सीख नहीं पाते या फिर उनके पेपरों में नंबर क्यों कम आते, क्यों पढ़ाई लिखाई उन्हें बोरी करती है। आज इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये सब सारी चीजें सिखा दूंगा यदि आपका पूरा का पूरा अटेंशन मुझे मिल जाए। बस आपको उसी के वादा करना होगा कि जब आप मुझे सुनेंगे तो आपकी पलक भी नहीं सकते, आप कहीं भी किधर उधर नहीं देखेंगे, सीधा मेरी आंखों में आंखें डाल सकते हो तो मैं आपको समझा पाऊंगा। क्या आप रेडी हैं इस बात के लिए? चलिए तो आज मैं आपसे इतनी डिटेल में बात करने वाला हूं कि आप आखिर स्कूल में क्यों आते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि हमें यह समझ में आ जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका लाइफ में रिटर्न क्या मिलेगा, तो शायद हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जब एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है तो वो बड़ा छोटा सा होता, उसे नहीं मालूम होता कि उसका स्कूल में एडमिशन क्यों हुआ। ये दूसरा उसके मम्मी पापा को भी मालूम होता है कि इसका एडमिशन किसी ना किसी स्कूल में कराना। और देखो हर मम्मी पापा अपनी बेस्ट कैपेसिटी को लगाकर बेस्ट कैपेसिटी जितने पैसे वो खर्च कर सकते हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं वो खर्च करके आपको शहर के या कहीं और तरह के बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा ही देंगे। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए। अब क्योंकि आपको कुछ मालूम ही नहीं कि आप यहां स्कूल में क्यों आ गए हैं, उस समय आपका जो विवेक है, जो सोचने की क्षमता है वो जाती नहीं होती, वो जागृत नहीं हुई होती, आपके सेंसेस अभी उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए होते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होता है कि मैं यहां क्यों आया। और फिर आप जैसे आपके आसपास के लोग कर रहे होते हैं वही सब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे समय समय पर करेक्ट किए जाने की जरूरत है, उसे समय समय पर ठीक किए जाने की जरूरत है। ज्यादातर बच्चे स्कूल में एक खास उद्देश्य से आते हैं और वो है हिंदी में पढ़ना। इसलिए लोग आते हैं, यानी इंग्लिश में कहने तो स्टडी करने के लिए लोग आते हैं। और जब हम बात करते हैं टीचर्स की तो टीचर्स भी सिर्फ एक ही उद्देश्य से आते हैं। टीचर्स का उद्देश्य भी सिर्फ एक ही होता है, पढ़ाना। यानी टीच। अब यदि टीचर का उद्देश्य है आपको पढ़ाना तो वो आपको पढ़ा के चले गए, और आपका उद्देश्य है पढ़ना तो आप पढ़ के चले गए। मेरे हिसाब से ये दोनों ही उद्देश्य गलत। माफ कीजिएगा मैं आपसे थोड़ी अलग बात करूंगा, ये दोनों ही उद्देश्य गलत है। और जिस इंसान का उद्देश्य ही गलत होगा वो कभी सही परिणाम की तरफ पहुंचती है। जब हमारा उद्देश्य ही गलत हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा कि हम यहां क्यों हैं, तो फिर रिजल्ट्स कभी भी वैसे नहीं आ सकते जैसा कि आप चाहते, रिजल्ट कभी भी वैसे नहीं आ सकते जैसा आप चाहते।
पढ़ने के उद्देश्य से स्कूल में आता है और टीचर पढ़ाने के उद्देश्य से क्लास में आता है। दोनों का ही उद्देश्य गलत। इस उद्देश्य को समय समय पर करेक्ट किए जाने की जरूरत, लेकिन इसके लिए खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि हमारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं मार्केट जा रहा हूं, सोचिए आप घर से निकलते हैं, आप घर से निकलने से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि आपको क्या खरीदना है, आपको क्या खरीदना है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन बड़ा क्लियर होता है। यदि आपको बाजार में पेंसिल खरीदनी है तो घर में बैठे बैठे आप पूरा मार्केट ढूंढ लेते हैं अपने दिमाग में, और आप सारे मार्केट छोड़कर, सारी दुकानें छोड़कर सिर्फ उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां पर से आपको पेंसिल लेनी है। आप बाजार में 10-20 दुकानों पर नहीं जाते। यदि आपको शर्ट लेनी है तो घर बैठे बैठे आप देख लेते हैं कि कौन से मार्केट हैं और इसमें कौन कौन सी शॉप है, मैं कहां जाऊंगा। आप सारी दुकानों में जाते हैं, सारे मार्केट में जाते हैं, हर बार घर में बैठकर ही तय हो चुका होता है कि मुझे केक कहां से ऑर्डर करना। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जब आप क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं भी जाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपका। लेकिन जब हम अपने स्कूल में आते हैं, वी डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारा कोई पर्पस नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं होता, इसीलिए हम यहां आते हैं, थोड़ा बहुत सीख कर अपने घर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा बहुत सुन के, थोड़ा बहुत देख के, थोड़ा बहुत मजा करके, थोड़ा बहुत खा के, थोड़ा बहुत खेल के, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए कि मैं यहां क्यों आया हूं, तो मैं आपको ये बोलता हूं, हर बच्चा टॉपर बनेगा, हर बच्चा टॉपर बनेगा, हर बच्चा। जिसके दिमाग में इतनी ज्यादा क्लैरिटी है, जिसके दिमाग में जितनी ज्यादा क्लैरिटी है, वो उतना ही चीजों को याद रख पाता है, समझ पाता है। ज्ञान हमें तब नहीं रहता जब हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर ना हो कि हम यहां क्यों बैठे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको लाइफ में ऑब्जेक्टिव सेट करना सिखाऊंगा। लाइफ में ऑब्जेक्टिव, केवल स्कूल में नहीं, केवल पढ़ाई में नहीं, जीवन में आप जहां जाए, यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि मैं अपनी जॉब पर क्यों आया, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि मैं अपनी दुकान पर क्या करूंगा, आप देखिए आपकी मां का ऑब्जेक्टिव यदि क्लियर होता है पहले 3 दिन से, 3 दिन बाद में डोसा बनाऊंगी तो 3 दिन बाद डोसा तैयार होगा। लेकिन यदि उन्हें यही मालूम ना हो मुझे डोसा बनाना है और शाम को आप जा रहे हैं, ओके डोसा बना दी, क्या डोसा आपके हाथ बन सकता है? कभी डोसा नहीं। ठीक इसी तरीके से लाइफ में ये क्लियर होना आपके जीवन को बदल। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ेंगे और फिर सीखेंगे कि क्या होता है हमारा स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। स्कूल में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिंदगी में ऑब्जेक्टिव सीखना कि मैंने इस बात को सुनकर क्या सीखा, मैंने इसे पढ़कर क्या सीखा, मैंने देखकर क्या सीखा, सीखा क्या। यदि आपने उससे कुछ सीखा नहीं तो सिर्फ यू वेस्ट योर टाइम इन योर स्कूल, आपने अपने टाइम को स्पेंड कर दिया, वेस्ट कर दिया। आप पढ़ रहे हैं, आपने उससे कुछ सीखा नहीं, क्यों वेस्ट किया? आप कुछ सुन रहे हैं,
आपने उसे कुछ सीखा नहीं, उससे आपके मन में कुछ अंतर नहीं आया, तो फिर आपने उसे कुछ भी नहीं सीखा। तो जब आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो दोस्तों लर्निंग में छुपा है अर्निंग। जब आप सीखते नहीं, जब आप लर्न नहीं करते, लर्निंग जितनी बड़ी होगी अर्निंग उतनी ही बड़ी होगी। अब जब लर्निंग बड़ी होगी तो आप क्या क्या अर्न करते, यू अर्न रिस्पेक्ट। सबसे पहला सम्मान कमाते, दूसरा इस दुनिया में अपना स्थान कमाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, गौरव कमाते हैं, रेपुटेशन कमाते हैं। आप सीखने से केवल पैसे नहीं कमाते, लेकिन इंसान जहां भी रहता है वहां वो चीटिंग कर रहा है। जब क्लास में बैठा है तो चीटिंग कर रहा है, जब पढ़ रहा है तो चीटिंग कर रहा है, जब देख रहा है तो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग से मेरा मतलब है कि जब वो बैठा है सुनना चाहिए तो वो इधर उधर की बात सुन रहा है, जब वो पढ़ रहा है तो इधर उधर लोग बैठा रखे हो उधर ध्यान, जब वो किसी को सुन रहा है तो भी वो ऐसे गड़बड़ कर रहा है। इंसान चीटिंग कर रहा है, ये जो चीटिंग है आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है, और जब ये आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है तो फिर आगे पूरी जिंदगी ये आपकी अर्निंग को प्रभावित करती है। जब आप पढ़ते नहीं तो आप कुछ सीखते नहीं, और जब आप कुछ सीखते नहीं तो आप जीतते, और जब जीतते नहीं तो फिर समाज में आपकी कोई जगह नहीं बनती। आप यूं ही एक आम आदमी की तरह नहीं जॉब कर रहे होंगे, आम आदमी की तरह नहीं कोई दुकान खोल रखी होगी, आप न तो इस दुनिया से कुछ ले पाए न तो इस दुनिया को। तो दोस्तों जब आप यहां आएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अब सवाल ये है व्हाट शुड आई बी, व्हाट शुड बी माई ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मुझे कैसे सोचना चाहिए, मुझे सोचना कैसे चाहिए। मैं क्योंकि एक ट्रेनर हूं, लोग अक्सर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काफी कुछ समझ है इस बात की कि बच्चों को क्या करना चाहिए, वो कहां गड़बड़ कर रहे हैं, कहां गड़बड़ हो रही है। क्योंकि हर बच्चा जीनियस है, हर बच्चा जीनियस है, यदि वो इस बात को स्वीकार ले आई एम जीनियस। मोहम्मद अली बहुत ही फेमस बॉक्सर, अभी उनका 5-7 साल पहले देहांत हो गया। मोहम्मद अली रिंग में जब कभी भी उतरे हमेशा जीते, कभी हारे ही नहीं जाते, क्योंकि रिंग से पहले वो एक जगह प्रैक्टिस करते थे और अपने दिमाग को एक मैसेज देते थे, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। 1 से 1.5 घंटे तक वो अपने दिमाग को ये बात बार बार कहते थे, आई एम द जीनियस, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, और इसी वजह से उस जीवन में कभी कोई हारे। तो दोस्तों आपको भी अपने आप को रोज एक पॉजिटिव मैसेज देना, आई एम द जीनियस, आई एम द चैंपियन, आई एम द टॉप। क्या मैसेज देना है, आई एम अ जीनियस, आई एम अ टॉपर, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम अ जीनियस, आई एम अ जीनियस।
में मैं कहां पर आ रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूँ कहां गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि गड़बड़ कहां हो जाती है। आप स्कूल में धीरे धीरे एक काम करते हैं, हर रोज एक काम करते हैं रीडिंग, हर रोज एक काम करते हैं राइटिंग, और हर रोज रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ आप एक और काम करते हैं मेमोराइजिंग। आप याद करते हैं, याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लर्न। अब जब आप स्कूल में आते हैं तो टीचर आपको पढ़ा के चला गया, आप पढ़ते चले गए, लेकिन आपके पास बचा क्या? क्या बचा? कुछ नहीं बचा, बहुत पूरा का बचा, बहुत पूरा का बचा, लेकिन फिर क्या होना चाहिए आगे? आगे क्या होना चाहिए समझिए, पूरे प्रोसेस को समझिए, ताकि आपको जब आप पढ़ रहे हैं ये बातें याद रहेंगी और इससे ही आपका जीवन बदलेगा। फिर जब हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो स्कूलों में हमारे पास लेसन बने हैं, बुक्स बनी हैं, उसमें लेसन है, और लेसन के अंदर है क्वेश्चन एंड आंसर। यदि अपने लेसन अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया ने लिया कभी भी नहीं, यदि लेसन को हमने अच्छे से समझ लिया तो हम उसे सीख गए। यदि लेसन को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम उसे सीख गए, यदि हमने उसे अच्छे से समझ लिया तो हम उसे सीख गए। पर जब हम लेसन को सीख गए, उसमें क्या पढ़ाया है, क्या बताया है, सिखाया है, यदि हमने सारी चीजें समझ गए तो क्या हम सारे सवालों के जवाब नहीं देंगे? आप बताइए, आपने यदि कोई स्टोरी पढ़ी हो, कोई कहानी पढ़ी हो, और उस कहानी से संबंधित आपसे कोई सवाल पूछे, यदि वो कहानी आपको समझ में आ गई पूरी की पूरी, तो आपसे मैं कुछ भी पूछूंगा आपका जवाब आ जाएगा, क्योंकि कहानी आपको समझ। लेकिन यदि कहानी ही समझ में ना आए तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? इसी तरीके से आप लेसन को एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, पांच बार पढ़े, सात बार पढ़े, लेकिन यदि लेसन आपने अच्छे से समझ लिया फिर कुछ नहीं बचा, फिर सारे सिलेबस ब्लैंक्स हो जाएंगे, सारे क्रॉस मैच हो जाएंगे, सारे डाउन क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोग एक गलती करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती है, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर के बच्चे की गलती करते हैं, कि वो लेसन नहीं सीखते, लेसन नहीं सीखते, बस केवल सवाल और जवाब। आपको कहानी का ही पता नहीं है तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। यदि आपको ये मालूम ही नहीं है कछुए और खरगोश की कहानी में क्या हुआ था, तो आप जवाब भी क्या दे, आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आपने कहानी सुनी हो, सुनने के साथ साथ आपने उसे समझा हो, पढ़ने के साथ साथ आपने उसे समझा हो, देखने के साथ साथ आपने उसे समझा हो। यदि आप उसे समझते हैं तो मैं उस कहानी से संबंधित आपसे कुछ भी करवा सकता हूं, आप सारे के सारे सवालों के जवाब सही दे। लेकिन बच्चा जब लेसन पढ़ता है तो उस लेसन में क्या बताया गया है क्योंकि वो सुन नहीं रहा। यदि आप मुझे टकटकी लगा के नहीं देख रहे हैं, आप इधर देखेंगे खत्म, सब कुछ खत्म, पुराना सारा खत्म। जब आप पढ़ते हैं
आप लगभग ध्यान की मुद्रा में होने चाहिए, मेडिटेशन की अवस्था में। इतना ज्यादा ध्यान होना चाहिए, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि एक शब्द भी मिस ना हो। एक शब्द, मैं पूरी लाइन की बात नहीं करता, एक शब्द भी मिस ना हो। इतनी अटेंशन आपको चाहिए। यदि आप ये सब कर पाएंगे, भाई मैंने आपको बता दिया, लेकिन यदि आप फिर भी अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर दिमाग आपका है, बच्चे को सीनियर बना के भगवान ने भेजा है, लेकिन हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ हमारी तरफ। तो दोस्तों, यदि आपको मैथ में पढ़ाया जाए कुछ, आपको साइंस में पढ़ाया जाए कुछ, इंग्लिश में पढ़ाया जाए कुछ, तो सारा ध्यान इस पे लगा दीजिए। कई बार होता है कि टीचर्स भी गलत तरीके से काम करते, तो लेसन पढ़ाते नहीं और इसका क्वेश्चन का आंसर लेकर देते। अब यदि बेस ही नहीं है तो छत कहां डालोगे, छत कहां डालोगे, लेसन पता ही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जबरदस्ती रट्टे मारोगे, आपको याद कर भी नहीं होगा, क्या होगी या थोड़ी देर के लिए तो भूल जाओ। लेकिन यदि कहानी आपको पूरी पता होगी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी, तो फिर कभी भी आपसे चाहे 2 साल बाद सवाल पूछा जाए, आपसे चाहे 4 साल बाद सवाल पूछा जाए, चाहे आपसे 50 साल बाद सवाल पूछा जाए, आप जवाब दे पाएंगे, जवाब आपकी जबान पर रखते हैं। और यही टॉपर्स तैयार करते हैं, यही टॉपर्स तैयार करते हैं। टॉपर्स को ऐसा नहीं है कि आसमान से उतर के आते हैं, या टॉपर्स किसी खास स्कूल में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, किसी खास घर में मिलते हैं टॉपर, आप सब टॉपर हो सकते हैं। इसके लिए ये भी जरूरत नहीं कि मैंने इतनी देर पढ़ाई करी, मैंने इतनी देर पढ़ाई करी, आपने 2 घंटे की बजाय आधा घंटे पढ़ाई की, लेकिन जब आप पढ़ सकते तो आपको ये मालूम है आज मैंने क्या सीख लिया। जब आप बैठे तो 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाद आपको ये मालूम ही नहीं कि मैंने क्या याद किया, मेरे को क्या पढ़ा, मेरे को क्या आ गया, कुछ आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर आप 2 घंटे पढ़ो या 2 दिन या 2 साल, आप 10 मिनट पढ़िए सिर्फ, लेकिन 10 मिनट में आप ये 10 मिनट के बाद ये बता रहे हैं। यदि आप बता नहीं पा रहे हैं तो आप, यदि आप बता नहीं पा रहे हैं कि आज अभिषेक सर ने क्या सिखाया, तो आप यहां क्लास में दे या नहीं दे, जब आप मैथ की क्लास में बैठे हैं और बाहर निकलकर आप ये नहीं बता सकते कि मैथ वाले टीचर ने आज क्या पढ़ाया, तो फिर आप क्लास में हैं, स्कूल में हैं, दुनिया में हैं, कोई अंतर ही नहीं। अंतर पड़ता है जो आपने सीख लिया उसे आप बताओ। यदि आप कह रहे हैं हाँ मेरे को आ गया, मेरे को समझ में आ गया, पता नहीं पाऊंगा, तो आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सीख जाने का मतलब यही है कि हम कम से कम उसे बता पाए। यदि हम बता नहीं पा रहे हैं तो हम इसका मतलब सीख भी नहीं पा। मैं आपको अंधेरों से बाहर निकालने आया, लोग अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता पढ़ना कैसे, सीखना कैसे, सुनना कैसे, देखना कैसे, समझना कैसे, वो खो गए हैं। खोना है आपको मेरे अंदर, मेरी बातों में खोना है आपको, अपने जैसे जब आप गाना सुने गाने को जाए, जब आप फिल्म देखें तो फिल्म में को जाए, जब आप क्लास में आए तो क्लास में को जाए, जब आप पार्टी में जाए तो पार्टी में को जाए, और हर जगह से जो आपको मिलेगा वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, क्वालिटी आपके और बेहतर हो जाएगा। इससे अगली बात, इससे अगली बात कि हमें स्कूलों में कहां गड़बड़ और हो रही,
तमाम गड़बड़ और हो रही है। सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो क्या हो जाती है, बच्चा स्कूल में सिर्फ एक ही चीज को समझने लगता है आगे चल कर। वो आता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन वो एक चीज के चक्कर में पड़ जाता है। और हमारी जो दुनिया है वो ऐसे ही लोगों को जज करती है कि किसके मार्क्स कितने आए, किसके मार्क्स कितने आए। यार यदि आप सीखने लग गए, सीखने लग गए तो मार्क्स तो मैं आपको कह रहा हूं 100 नंबर का पेपर आएगा और आप उसमें से 110 नंबर का यदि आप सीखने लग गए। लेकिन जब आप सीखने ही नहीं गए, सुन ही नहीं गए, समझ ही नहीं गए, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और रट्टा मारने का मतलब है कि आपको याद नहीं रहेगा, जितना याद रहेगा तो आपको जो स्कूलों में नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं मेमोरी के। आपकी मेमोरी 90% काम कर रही है, आपकी मेमोरी 80% काम कर रही है, आपकी मेमोरी 70% काम कर रही है, और जो फेल हो गया उसकी मेमोरी बहुत कम था। हमें नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, हमें सीखने के लिए पढ़ना है। नंबर अपने आप, नंबर अपने आप आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुनते नहीं, समझते नहीं, सीखते नहीं, और फिर एग्जाम्स में प्रेशर आ जाता है, याद करो याद करो याद करो। यदि आप रोज का काम रोज सीख ले तो सीख जाते हैं, तो अभी भूलते नहीं। पेपर से पहले आप ये कहेंगे बताओ मेरा पेपर कब लेना है, अरे तुम बताओ कब लेना है, अभी तुम पेपर अभी तुम इतना बता मास्टर कब लेगा पेपर, तू पहले अभी दे काम को मैं तैयार हूं, मत समय फिर समय जाओ ले लो पेपर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम न सुनते हैं, न समझते हैं, न सीखते हैं, और इसकी वजह से प्रेशर भी आता है, नंबर भी कम आते हैं, ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता है और 2 घंटे की बजाय 4 घंटे की। दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट लगवाते हैं, मैडम हाँ इंपॉर्टेंट बता दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दो, फिर हम वही क्वेश्चन आंसर याद करने की कोशिश करते हैं कि जो पेपर में आने वाले हैं, इधर से जीतें उधर से जीतें, वहां से पूछ लिया पेपर ठीक हो गया, वहां से थोड़ी हुआ, आपको सीखे थोड़ी, नंबर भले ही आ गए आपके आप। और जब दोस्तों आप सीखे ही नहीं तो जिंदगी में जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठेंगे तो आप बहुत जोर लगाएंगे और आपके वो पास नहीं, क्योंकि यहां कुछ है नहीं, यहां है नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा सुनना है तो नहीं, सुनना है तो सीखना है, पढ़ना है तो देखना है तो उसकी गति सीख गए तो ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, सीख गए ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, सीख गए तो उसके लिए तो मैंने आपके एग्जाम का प्रेशर, यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाते हो आप अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपने मोहल्ले में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, हर जगह तो मेरा काम केवल आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का नहीं, मेरा काम है आपको बेहतर बनाना। तो अब
आपको मुझसे एक वादा करना है कि मैं जो भी कुछ करूंगा उसके बाद मैं करूंगा कि इससे मैंने क्या सीखा। मुझे क्या वादा करना है आपको, मैं जो कुछ भी करूंगा उसके बाद ये सोचूंगा करूंगा, चाहे मैं करूंगा चाहे मैं लिखूंगा चाहे मैं सुनूंगा चाहे मैं देखूंगा। जीवन में हमें क्या करना है, यदि आप स्कूल में सातवीं क्लास में हो और आपने वहां सब कुछ सीख रखा, याद करो पर तो आप आठवीं में भूल जाएंगे। जो सातवीं में आपने याद करा था वो आठवीं क्लास में आप भूल जाएंगे। आपको सारा याद है ना, आठवीं क्लास का पहली क्लास का अभी नहीं पिछला वाला सारा याद है बचपन से अब तक। आपको वही चीजें याद है जिन्हें आप सुनते बोलिए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो यदि वहां पर जोड़ना आपने ठीक किया था आपको जोड़ना जीवन पर देखने, यदि आपने वहां पर पढ़ना सीख लिया पढ़ते करते काम अपने स्कूल में अपने पिता के साथ जा रहा, यदि आपने पढ़ना सीख लिया था तो वो आप आज भी नहीं भूले। लेकिन वो आपने याद किया बोले क्या हुआ उसके साथ, अभी आप कौन सी क्लास में है, लेकिन सब कुछ सीख लिया जाए आपको नहीं सब जन्म का काम होते। यदि यही काम आपने और यदि आपने टेंथ में भी यही सब किया तो नहीं तो टेंथ में भी आपने यही किया तो, और यदि इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी आपने यही किया तो दोस्तों ट्वेल्थ के बाद आप इस भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे, वही कॉम्पिटिशन वही भाई हो जाएगा। कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, अगर कोई कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, आप मेडिकल के एग्जाम में बैठ जाना, आप नीट के एग्जाम में बैठ जाना, आप इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठ जाना, आप सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठ जाना, यदि आपने मेरा कहना मान लिया तो बारहवीं क्लास के बाद आप जिस भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे वही भाई होगा। आपका समय भी बचेगा और आपकी परिस्थिति आपके मम्मी पापा आपको स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जब आप स्कूल में देखते नहीं पढ़ते तो आपको ट्यूशन और कोचिंग लगा, लेकिन आप वहां पर भी सही इसीलिए आपके एग्जाम नहीं गई। कॉम्पिटिशन 100,000 लोग बैठते हैं, 100 लोगों का एग्जाम नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है जो उन्हें करना चाहिए। आज के बाद जब भी आप स्कूल में आए क्लास में बैठे तो जरा ध्यान से सोचें कि आप यहां वही कर रहे हैं जिसके लिए आए थे, यही आप अपने दोस्त के साथ तो नहीं करते, यही आप अपने किसी फ्रेंड के साथ तो नहीं करते, कहीं आप हमारा समय में पूरा ध्यान तो नहीं लगा रहे हो, कहीं आप पीछे बात करने में ध्यान तो नहीं लगा दी, तो मैं माफी चाहता हूँ आपको कि मैं आपको वो सारी चीजें करने को कह रहा तो आपको जीवन में आगे ले जाएंगे, माफी चाहता हूँ। आप जरिए थोड़ी सख्त हो गई होगा तो मुझे छोटा बड़ा भाई समझ के माफ कर देंगे। मैंने आपके साथ काफी सख्ती से बात की, मैं आपको एक बार डांट भी देता हूँ हल्का फुल्का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे जब पढ़ लिख के स्कूलों से बाहर जाएं तो उन्हें देखकर आसपास के लोग सलाम करें, यार ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं
ये पढ़ रहे हैं, ये रोज कुछ सीख रहे हैं नया, ये आगे कितना पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप सीखते हैं तो आपकी कोई सम्मान की कथा नहीं, कोई रस्ते कोई रस्ते। तो हर चीज को सुने तो सीखे, पढ़े तो सीखे और देखे, यानी हमें हर चीज को एक ही चीज पर, एक ही तराजू पर तोलना है। क्या हमें मैडम ने 100 नंबर का पढ़ाया, पूरा चैप्टर पढ़ाया, घर जाके आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में मैडम ने यदि मुझे 100 नंबर का पढ़ाया तो क्या मुझे 99 नंबर का आ गया, 1 नंबर का जो नहीं आया वो मैं अगले दिन जा करके क्लास में मैडम से सबसे सामने खड़ा हो सकती। यदि 1 नंबर का समझ नहीं आया तब भी, 10 नंबर का समझ नहीं आया, 20 का नहीं समझ आया तो आप मैडम से पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं 1 नंबर का भी समझ नहीं आया तब भी आपको लापरवाही नहीं करनी, पूछना ही है। हर हाल में पूछना है, जब तक पूछना है तब तक समझ ना आ जाए। चाहे आप YouTube का वीडियो देख करके उसे समझो, चाहे आप Google पे देख करके उसे समझो, चाहे अपने स्कूल के टीचर से पूछ के समझो, प्रिंसिपल से पूछ के समझो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, ट्यूशन टीचर से पूछो, लेकिन जब तक स्कोर 100 में से 100 ना हो जाए तब तक आपको कैसे होगी पेपर की तैयारी करने आप कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं होगी। मेरा ले लो ना पेपर कभी भी, मैं हमेशा तैयार हूँ। क्या करने आए थे यहाँ सीखने इस दुनिया में, क्या करने आए थे यहाँ सीखने और सीखने, क्या करने आए हैं सीखने और सीखने और सीखने। तो सीखते जाएंगे, दूसरों को सिखाते जाएंगे। तो आज आपको मेरी ये सारी बातें अपने भाई बहनों को सिखानी है, अपने भाई बहन घर वाले भाई बहनों को ये बातें सिखानी है कि हम स्कूल में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, स्कूलों में हमारे साथ क्या गड़बड़ हो रही है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, नाइस मीटिंग यू ऑल।